नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है ऑफिस नोटबुक की एक नया वीडियो पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क पे अलग अलग सेल पे रहने वाला टेक्स्ट को ज्वाइन करके हम लोग एक सिंगल सेल पे ले आना सीखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पे जरूर अंत तक बने रहिए। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम का कॉलम लिया है, मिडिल नेम का कॉलम लिया है और लास्ट नेम का कॉलम लिया है। अब इनको ज्वाइन करके यहाँ पर मैं फुल नेम लेकर आऊंगा। तो पहला नेम देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है सूर्या कुमार यादव। ओके, तो सूर्या कुमार एक साथ रहेगा और अलग यादव जो है ये अलग से रहेगा। सो यहाँ पर देखिए मैं इक्वल टू साइन दे रहा हूँ इस सेल पे। फिर देखिए मैं सूर्या को सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब ए टू सेल। फिर यहाँ पर मैं एन डालूंगा, फिर यहाँ पर मैं डबल कोटेशन दूंगा, इसके बाद फिर से डबल कोटेशन डालूंगा, फिर से यहाँ पर मैं एन डालूंगा और इसके बाद मैं कुमार को सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब बी टू सेल को। फिर से मैं यहाँ पर एंड दूंगा, फिर से डबल कोटेशन, इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पेस दूंगा, फिर से डबल कोटेशन, फिर से एंड और इसके बाद देखिए यादव, इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर करूंगा। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सूर्या कुमार एक साथ आया और यादव जो है यह अलग आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई भी स्पेस नहीं डाला था। ओके, डबल कोटेशन के बीच में, यहाँ पर देखिए डबल कोटेशन के बीच में मैंने एक स्पेस डाला है, तो जो यादव है ये अलग से आया है। ओके, तो इस तरीके से देखिए हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर देखिए महेंद्र सिंह धोनी, तो यहाँ पर भी एक स्पेस आएगा और यहाँ पर भी एक स्पेस आएगा। तो इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, इक्वल टू साइन दूंगा और यहाँ पर देखिए पहला सेल को मैंने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर मैं एंड डालूंगा, डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन एंड, फिर सिंह को सिलेक्ट करूंगा, फिर देखिए यहाँ पर मैं एंड डालूंगा, फिर डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन, फिर से एंड डालूंगा और इसके बाद मैं धोनी मतलब सी थ्री सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो ये इसके बीच में स्पेस आया है और यहाँ पर भी देखिए सिंह और धोनी के बीच में भी स्पेस आया है। ओके, तो इस तरीके से देखिए आप बड़े आसानी से अलग अलग सेल पे रहने वाला टेक्स्ट को आप ज्वाइन करके एक सिंगल सेल पे लेकर आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।